हाजी अस्सलाम वालेकुम, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान साहब की क्यादत के बाद यानी पार्टी की क्यादत के बाद मुराद सईद साहब इस पार्टी को संभालने जा रहे हैं। दिया वो है 6,900 अरब रुपये। अच्छा, अब उस दिन मैंने बात की थी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। ग्रॉस इनकम वो जो आपके पास 100 रुपये आपने आपको तनख्वाह मिली, और नेट इनकम वो 65 रुपये जो घर लेकर आए, ठीक है ना, सारे टैक्स वैक्स काट के सारा कुछ वो। तो ग्रॉस और नेट इनकम, तो ग्रॉस मेरे 100 रुपये, 65 रुपये घर आए सारा खर्चा वर्चा कंप्लीट करके, और 70 रुपये मैंने कहा था या 75 रुपये हमने सूद देना है जे। तो यानी हम अपनी जो आमदनी है उस आमदनी के लिए भी कर्जा लेंगे, और कर्जा लेके फिर हम 70 रुपये सूद देंगे, 75 रुपये सूद देंगे, कर्जा अपनी जगह मौजूद रहेगा, और फिर अपना घर चलाने के लिए हम कहीं और से 70, 80 या 100 रुपये कर्जा लेंगे, और उस पर जो सूद बढ़ेगा वो मतलब एक शैतानी चक्कर चलता रहेगा। अब कल जो बजट पेश हुआ है इसहाक डार साहब की, मैं तकरीर से ये बात यहाँ बयान कर रहा हूँ। इसहाक डार साहब ने ये फरमाया कि वफाक के पास सूबों को जो पैसे दे दिए जाएंगे तो वफाक के पास जो पैसे बचेंगे वो बचेंगे 6,887 अरब रुपया। ये इसहाक डार साहब की तकरीर है। 6,887 अरब रुपया वफाक के पास बच गया, ठीक है, ठीक है? अच्छा, और सूद कितना देना है? 6,887 अरब रुपया आ गया वफाक के पास, सूद देना है 7,300 अरब रुपया। सूद जी, कर्जा नहीं, सूद। अच्छा, तो यानी जितना पैसा बचा, जितना पैसा आया हमारे पास सारे मुल्क में टैक्स लगा के सब कुछ करके, सुपर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सब कुछ कर करा के हमारे पास आया 6,887 अरब रुपया वफाक के पास, और हमने 7,300 रुपया सूद देने। अब इसमें क्या है कि हमारा जो तरक्याती बजट है वो 1,150 अरब रुपये। पैसा कितना है हमारे पास? ठींगा, ठीक है। इस साल हमने पेंशन देनी है 761 अरब रुपया बजट में। पैसा कितना है हमारे पास? ठींगा। हमने ग्रांट्स के लिए रखे हैं 1,400 अरब रुपये। पैसा कितना है हमारे पास? ठींगा। अच्छा, सब्सिडीज हमने देनी है 1,100 अरब रुपये। पैसा कितना है? ठींगा। अच्छा, डिफाई बजट 1,800 रुपये। पैसा कितना है? ठींगा। सिविल हुकूमत का खर्चा कितना है? 750 अरब रुपया। पैसा कितना है? ठींगा। तो ये ज्यादा आपने सूद में दे दिए, और ये जितना बजट ऐलान हुआ है, तरक्याती बजट, ये तालीम का बजट, सब्सिडीज, एजुकेशन, और कर्जा आप लेंगे या नोट आप लेंगे? जितना नोट छापेंगे उतना नोट की हैसियत, जितना छापेंगे ये आप कर्जा लेंगे, कर्जा लेंगे तो उस पर सूद, तो कर्जा आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता आप कर्जा, तो ये एक ऐसा मामला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब एक फेमस नाम है, उनका बहुत ही बड़ा बहुत एक्सपीरियंस है प्रिंट मीडिया में, वो काफ़ी इंटरनली टच होते हैं न्यूज़ से, और तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ वो प्रोवाइड करते हैं, तमाम उनके तजियात से हम इस्तफादा हासिल करते हैं और आप तक बर वक्त पहुँचाते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े नाम दूसरे हैं, हारून रशीद साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, इंशाल्लाह वो जल्द हमारे बीच होंगे, तभी उनके तजियात भी आप तक बर वक्त पहुँचाएँगे। तो नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल जो है काफ़ी कह लेंगे एक सूरत हाल पॉजिटिव वे में, कुछ नेगेटिव वे में, कुछ गंभीर ऐसे चल रही है, जो जैसे आप समझ लें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो आप कुछ दिन पहले बजट दिया गया था, कुछ हलकों ने उसको बहुत पसंद किया, कुछ हलकों ने उसके ऊपर तनकीद की, और कुछ ने कहा ये फेक है, और ऐसे ये सूरत हाल में काफ़ी कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा इस हुकूमत को।
और सरकारी मुलाज़मीन को इस हुकूमत ने काफ़ी फ़ायदा दिया है मुलाज़मीन के हवाले से, क्योंकि तनख्वाहें बहुत एक लिमिटेड थी और महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से काफ़ी आवाम तंग थे और गरीब आवाम जो मजदूर तबका था उसको भी कुछ रिलीफ जो है वो मिला है, जिनकी आमदनी 25-24 तक थी, अब 32 तक आम मजदूर की जो फैक्ट्री में काम करेगा उसकी 32 तक आमदनी कर दी गई है हुकूमत की जानिब से, और जो सरकारी मुलाज़मीन थे उनकी 35% तक इनक्रीज़ हो चुकी है तनख्वाहें। तो नाज़रीन ऐसे सूरत हाल है। और दूसरी जानिब आप जैसे कि डॉक्टर शाह मसूद साहब ने बताया है इस वीडियो में कि इमरान खान साहब की जो पार्टी तहरीक इंसाफ है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, और सर्वे के अकॉर्डिंग आप देख लें तो फेमस सिटी जो है सेलिब्रिटी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब के बाद वो मुराद सईद साहब हैं। हो सकता है मुमकिन तौर पर ये कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि सब छोड़ गए तो मुराद सईद साहब जो हैं पार्टी की क्यादत संभालेंगे, और वो एक नौजवान हैं और उनमें जोश वलवला भी पाया जाता है, और आपने देखा होगा कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने अपोजिशन को काफ़ी आड़े हाथों लिया था, काफ़ी लोग उठकर भाग जाते थे उनकी जब तकरीर शुरू होती थी। तो अब सुनने में यही आ रहा है, अब आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल होती है। और ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को पसंद करते रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक फेज़ आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हमारे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।